वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हुकूमती फैसला सामने आते ही अमरीका का रद्द अमल भी आ गया। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर अमरीका ने तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं, ऐसा महसूस होता है कि एक सियासी पेचीदा अमल का आगाज किया जा रहा है, ताहम इस अंदरूनी अमल और फैसलों पर अमरीका नजर रखेगा। मैथ्यू मिलर ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है क्योंकि ये इकदाम इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार राय, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालफत है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमरीका इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी अकदार और बुनियादी हकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी जमहूरी अमल और वसी तर उसूलों और कानून की हुक्मरानी समेत इंसाफ के इकदामात की हमेशा से हिमायत करता रहा है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तारण ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ खून माफ के नाम से एक फिल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बस अब बहुत हो गया। अताउल्लाह तारण ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए, और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया उसको देखते हुए, हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी। बहुत वाज़े सबूत मौजूद हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। आईन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। अतताड़ ने बताया कि हुकूमत ने सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला किया है। साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाए। तीनों अफराद के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर की जाएगी। आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। इसने आईन की खिलाफ वर्जी की है। तहरीक इंसाफ एतमाद के होते हुए गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तहलील किया। आईएमएफ को खत लिखना पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे का हिस्सा था। मुल्क को अगर आगे ले जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना होगी।